इस लूट में सिर्फ सोना और चांदी नहीं था, सोना चांदी के अलावा बेस कितनी जो रत्न होते हैं, मणियां होती है, मणियों की कीमत जो होती है वो सोना चांदी के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। जैसे नाग मणि होती है, हस्त मणि होती है, सकुर मोती होती है, बांस मोती होती है ना। ऐसी कई प्रकार की मणियां होती है जो एक एक मणि की कीमत हजारों किलो सोना भी दे दो तो उसके बराबर उसकी वो वैल्यू पूरी नहीं होती है। वो सब का सब भारत देश का जो खजाना था, वो खजाना आज वहां पड़ा हुआ है, वो लुटेरे उसको लूट के बैठे हुए हैं। उसको साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हम सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पास करेंगे और बिल पास करा करके उनसे मांग करेंगे कि भैया ये हमारा लूट का पैसा हमको वापस दिया जाए, यदि नहीं देते हैं तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, लोग पूछते हैं कि भैया ये लूट का पैसा कैसे है। लोग कहते हैं कि भैया ठीक है वो आए लेके चले गए, अब ये लूट का पैसा कैसे है। अब ये लूट का पैसा ऐसा है कि इसमें दो बातें, पहली जो लूट करी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस कंपनी के लिए थी, अपना व्यापार करने के लिए हमारे देश में आई थी। जो भी कंपनी व्यापार करने के लिए हमारे देश में आती है, चलो कोई बात नहीं आप व्यापार करने के लिए आए समझ गए, लेकिन आपको हमारे देश के राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करने का हक नहीं है। आप एक आर्मी बना करके किसी एक राजा के पक्ष में लड़ करके दूसरे राजा को हराने का काम नहीं कर सकते। आप एक बिजनेस कंपनी है, आप व्यापार कीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप व्यापार कीजिए मैं, लेकिन आप हमारे ही देश के राजनीतिक मामलों को टच नहीं कर सकते हैं। आपने एक आर्मी खड़ी करी, एक राजा को सपोर्ट किया, दूसरे को हराया, वहां से पैसा लूटा, तो ये बेसिकली लूट है। इसको हम व्यापार नहीं कह सकते कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा कमाया, व्यापार कमाया, नंबर एक। नंबर दो जो है, इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये मामला सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी हमको लूट लिया। अब यहां पर इस बात समझने की जरूरत है कि लूट है, अब वो कह सकते हैं कि हमारी सरकार थी, हम पैसा लेके चले गए। लेकिन सवाल ये नहीं है, एक राजा होता है, एक राजा का कोई राज्य है, मान लीजिए कोई राजा है, उसका कोई राज्य है ना, एक्स राज्य है, वो अपने पड़ोसी राज्य को अपने अंदर मिला देता है। जब पड़ोसी राज्य को अपने अंदर मिला देता है तो पड़ोसी राज्य की जनता भी उसके जो बड़ा राज्य बना उसकी जनता हो जाती है, वो दोनों उसी की जनता होती है, दोनों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। जब सिकंदर भारत में आया था और उस टाइम पे जो सिंध का जो राजा था उसने अपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। जब सरेंडर कर दिया तो सिकंदर की सेना ने लूटपाट मचाना शुरू कर दी और उसको बोला देख तेरे राज्य में हम लूटपाट कर रहे हैं। तो उसने बोला भाई ये मेरा राज्य नहीं है, मैं तो सरेंडर कर चुका हूं, ये तो तुम्हारा राज्य है, तुम राजा हो यहाँ के, तुम्हारे ही राज्य में तुम्हारे ही सैनिक तुम्हारे ही जनता को लूटपाट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, चलो मानते थे, तब जो हमारे पैसों को ले जाकर के केवल इंग्लैंड में उसका विकास करना, वो सरासर लूट की श्रेणी में आएगा, वो इस प्रकार की श्रेणी में नहीं आएगा, वो राज्य के नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ है। वो पूरा का पूरा पैसा लूट का था, इसलिए हमें वो पैसा वापस चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक कागज आपके पास पड़ा हुआ है, आपको मैंने भेजा भी है, शायद आप अपने दर्शकों को दिखा दीजिए। ये आर्टिकल जो है विकिपीडिया से, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, ये विकिपीडिया का आर्टिकल है और विकिपीडिया के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है एस्टिमेट्स दिस टू बी इवन लार्जर 8-900 लाख करोड़। ये जो ब्लैक मनी है, भारत का जो ब्लैक मनी जो स्विस बैंक में जमा है, ये अब दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है। भारत का ब्लैक मनी जो स्विस बैंक में जमा है वो 900 लाख करोड़ का है, ये थोड़े दिन पुराना आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, यह हर साल 20% 25% 30% बढ़ जाता है। तो अभी मान के चलिए कम से कम 1000 लाख करोड़ रुपया हमारा पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर, वो पैसा हमारा है। स्विट्जरलैंड बैंक को क्या अधिकार है हमारा पैसा रखने का? किसी भारतीय नागरिक के पैसे को स्विट्जरलैंड का बैंक कैसे रख सकता है? एक छोटा सा देश है, हम जब चाहे उसको मसल सकते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, किस काम की आर्मी है? आप कहते हैं हमारे पास एटम बम, किस काम के एटम बम है हमारे पास? आपका 900 लाख करोड़ 1000 लाख करोड़ लेकर के बैठे हुए हैं, उनकी भाव को थोड़ा सा मोड़िए, कान मोड़ पकड़िए उनके, वो लाके देंगे आपको सारा पैसा आपको। तो ये जो पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे को हमें वहां से एक एक पैसे को लेके आना है। यह हुआ स्विट्जरलैंड की बात, लेकिन ऐसे 50 देश है।
जैसे हम टैक्स हेवंस कहते हैं, टैक्स हेवन में स्विट्जरलैंड के अलावा आपका नीदरलैंड भी है, लग्जमबर्ग भी है, बरमूडा भी है, ब्रिटिश आइसलैंड भी है, ऐसा कम से कम 50 देश है। तो जितना हमारे पास हमारा स्विट्जरलैंड बैंक में पड़ा उससे भी कई गुना। हाँ जी, सिंगापुर भी है, हांगकांग भी है। हाँ जी हाँ जी, एक लंबी लिस्ट है ये, 50 देशों की लिस्ट है। तो मान के चलिए कि 1,000 करोड़ रुपया अगर स्विट्जरलैंड में जमा है तो कम से कम 5,000 करोड़ रुपया और भी कई बैंकों में पड़ा होगा। इतना पैसा पड़ा हुआ हमारे बाहर पे, ये हम एक एक देश से वसूल करेंगे विथ इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट के साथ में वसूल किया जाएगा, हमें उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वो भारतीय नागरिक का पैसा है, वो यहीं रहेगा, बाहर नहीं जा सकता, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहां से हम पैसे को निकाल सकते हैं, वो है हमारे बैंकों ने, हमारी सरकारों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन को माफ कर दिया, लोन को राइट ऑफ कर दिया। अगर मैं 10 लाख का लोन ले लूं और 10 लाख का लोन लेकर कोई गाड़ी खरीद लूं और अगर 2 EMI नहीं दूं तो बैंक से लगातार फोन आने शुरू हो जाएंगे। आप अगर मकान का लोन ले लें और मकान की EMI टाइम पे नहीं भरेंगे तो लोग आपको, बैंक वाले जो आपका मकान के कागज, आप मकान किसी और के नाम कर देंगे, उसका मकान की बिक्री शुरू हो जाएगी, उसको ऑक्शन किया जाएगा। तो जब इतने बड़े बड़े लोन माफ हुए हैं, कितना अमाउंट बनता है अगर इस सारे अमाउंट को जोड़ा जाए, पिछले 70 वर्षों का जो लोन माफ हुआ है उसको अगर एक्चुअल करेंसी में देखा जाए, एक्चुअल करेंसी हमारा रुपया नहीं है, रुपया तो रोज गिरता है, एक्चुअल करेंसी है गोल्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड से काउंट करें या सिल्वर स्टैंडर्ड से काउंट करें तो हमारा बनता है कम से कम 500 से लेकर के 700 लाख करोड़ रुपया। ये बड़े बड़े उद्योगपति, जिन लोगों, जिनका खाते का दूसरे देशों में चल रहे हैं, उन्होंने ये पैसा गबन किया है। ये गबन की श्रेणी में आएगा। आज वो उद्योगपति जिंदा हो या मृत्यु हो गई हो, अगर वो मर चुके हैं तो उनके परिवार वालों के पास पैसा पड़ा हुआ होगा, वो वहां से लेके आएंगे हम लोग। तो ये 500 से लेकर के 700 लाख रुपए ये मार पड़ा हुआ है, ये सारा पैसा हम लेके आते हैं तो हमें कई वर्षों तक हमें एक भी रुपया भारत की जनता को कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। और जो विदेश में जो पैसा जमा, ये अब जो आपका जो लूट जो हुई है ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इतना पैसा है, अगर उस पैसों को हम लेके आएंगे तो 500 वर्षों तक कम से कम भारत को किसी प्रकार का कोई टैक्स देना ही नहीं भारत की जनता को। ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं, हम 95% टैक्स ऑलरेडी 95% टैक्स दे चुके हैं, हमारा पैसा वहां पड़ा हुआ है, वो पैसा हमें वापस लेके आना है। बस उन लोगों की बाहें मरोड़नी है, कान मरोड़ना है, थोड़ा सा उनको धमकाना है, जैसे आप धमकाना शुरू करोगे वो आपका पैसा रिलीज करना शुरू कर देंगे।